हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपनी पहली क्लास में पढ़ेंगे व्हाट इज यूवी विद स्पेक्ट्रोस्कोपी। जितनी भी हमारी इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्निक्स होती हैं उसमें हमें स्टार्टिंग से ही इंट्रो पता होना चाहिए, उसका हमें प्रिंसिपल पता होना चाहिए, उसके हमें इंस्ट्रूमेंटेशंस पता होनी चाहिए कि व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट्स वी आर यूजिंग एंड व्हाट आर द वेज इन विच वी कैन सेटअप द इंस्ट्रूमेंट और उनका फंक्शनिंग क्या है, उनकी वर्किंग क्या होती है उन इंस्ट्रूमेंटेशंस की। देन वी हैव टू स्टडी द एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स या इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्निक्स कि भाई जितने भी इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्निक्स हैं उनकी एप्लीकेशंस क्या हैं, किन किन चीज़ों में उनको यूज़ कर सकते हैं एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दीज टाइप्स ऑफ टेक्निक्स कि भाई इन टेक्निक्स को हम किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, इनकी एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो टुडे वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट ओनली द इंट्रो पार्ट एंड द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ द यूवी विज स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो लेट्स स्टार्ट। अगर हम बात करते हैं यूवी विज स्पेक्ट्रोस्कोपी में, तो यूवी विज स्पेक्ट्रोस्कोपी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक इन्वेंटर का नाम आता है, दैट इज आर्नोल्ड बैकमैन। आर्नोल्ड बैकमैन इन जुलाई 1941 जुलाई में इस इन्वेंटर का नाम जो है हमारे पास आर्नोल्ड बैकमैन है और यूवी विज स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो क्रेडिट दिया जाता है कि सबसे पहले परफॉर्म किसने की या इन्वेंट किसने करी थी, दैट इज गोइंग टू बी द आर्नोल्ड बैकमैन। एंड ये हमारे पास इंट्रोडक्शन में जरूरी इसलिए आ जाता है बिकॉज कई बार एमसीक्यू में या कई बार हमसे ऐसे ही पूछ लिया जाता है। देन अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यूवी विज स्पेक्ट्रोस्कोपी की अगर हम बात करें तो यूवी विज स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक लाइन हम पढ़ते हैं कई बार कि यूवी विज स्पेक्ट्रोस्कोपी इज एन एनालिटिकल टेक्निक। अब बच्चे क्या करते हैं कि एनालिटिकल टेक्निक को छोड़ देते हैं, पर एनालिटिकल टेक्निक, एनालिटिकल वर्ड जो है दैट रिमाइंड्स अस कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हमें बताता है कि क्या चीज है वो एनालिटिकल टेक्निक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड आता है हमारे पास। अब हम किसी भी एनालिटिकल टेक्निक, एनालिटिकल टेक्निक हम पढ़ते हैं भाई यूवी विज स्पेक्ट्रोस्कोपी इज एन एनालिटिकल टेक्निक, उससे हम क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय द एनालिटिकल टेक्निक। कोई भी एक ऐसी टेक्निक जिससे हम क्या कर रहे हैं, किसी भी केमिकल कंपाउंड या एलिमेंट की कंसंट्रेशन को पता लगा रहे हैं, की कंसंट्रेशन का पता लगा रहे हैं, तो उस टेक्निक को हम बोल सकते हैं एनालिटिकल टेक्निक। अब एनालिटिकल टेक्निक तो सिंपल मेजरिंग, वेइंग हम कर सकते हैं, किसी हमने केमिकल कंपाउंड या एलिमेंट को वे कर लिया उससे भी हमें उसकी कंसंट्रेशन का पता चल रहा है। हमारे पास टाइट्रेशन मेथड्स भी होते हैं, हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपी भी होती है, तो दीज ऑल कैन बी कंसिडर्ड एज एन एनालिटिकल टेक्निक। तो एनालिटिकल टेक्निक को अगर हम ऊपर ऊपर से भी देखें तो व्हाट डज इट मीन कि हम बोल रहे हैं कोई भाई एनालिटिकल टेक्निक है, तो देयरफॉर अ मेथड कैन बी कंसिडर्ड एज एन एनालिटिकल टेक्निक और इट कैन बी कंसिडर्ड एज एन एनालिटिकल। हम बोल कर रहे हैं एनालिटिकल जब भी हम उस मेथड या टेक्निक को यूज कर रहे हैं इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ अ सर्टेन कंपाउंड और एलिमेंट। किसी भी कंपाउंड या एलिमेंट की कंसंट्रेशन का पता लगाने के लिए अगर हम किसी की एलिमेंट टेक्निक को यूज कर रहे हैं या मेथड को यूज कर रहे हैं, दैट कैन बी कंसिडर्ड एज एन एनालिटिकल। आई होप सो गाइस, एनालिटिकल वर्ड से आप सब क्लियर होंगे बिकॉज क्या होता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं इस चीज को कि एनालिटिकल वर्ड पता नहीं होता, तो देयरफॉर एनालिटिकल को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे हम यहां पे बात करते हैं, यहां पे लिख लेते हैं कि दैट इज यूज्ड, दैट टेक्निक कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ कंपाउंड और एलिमेंट। कि किसी भी कंपाउंड और एलिमेंट की अगर कंसंट्रेशन को हम डिटरमाइन करने के लिए कोई भी मेथड या टेक्निक को यूज कर रहे हैं, दैट कैन बी कंसिडर्ड एज एन एनालिटिकल। तो आई होप सो गाइस, ये आपके पास इन्वेंटर क्लियर होंगे, हमारे पास एनालिटिकल टेक्निक बोलते हैं इसको, इसका रीजन हमारे पास, इसका मीनिंग हमारे पास क्लियर होगा। आगे हम यहाँ पे बात करते हैं कि यह हमारे पास यूवी विज स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, दैट कैन बी कंसीडर्ड या दैट कैन बी कॉल्ड एज वेल क्या, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं।
इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम क्या समझते हैं कि वाई वी आर टेलिंग इट एज एन इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी क्यों बोल रहे हैं यूवी बेस्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी को, उसका भी रीजन है। जैसे हम एनालिटिकल टेक्निक का हमने रीजन बताया कि भाई ये यूवी बेस्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी को एनालिटिकल टेक्निक इसलिए बोल रहे हैं कि कंसंट्रेशन को हम डिटरमाइन कर सकते हैं, तो देयरफॉर हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी क्यों बोल रहे हैं यूवी बेस्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी को, ये देख लेते हैं। यूवी बेस्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम एनालिटिकल टेक्निक तो हमने पढ़ लिया क्यों कहते हैं, पर देयरफॉर हम बोल सकते हैं अब इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी क्यों बोल रहे हैं, ये हम रीजन देखते हैं। जब भी हम किसी सैंपल पे अगर यूवी विज स्पेक्ट्रोस्कोपी, जब भी हम किसी सैंपल पे यूवी विज स्पेक्ट्रोस्कोपी परफॉर्म कर रहे हैं, तो जब भी हमने अल्ट्रावायलेट या विजिबल रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की लाइट उस सैंपल पे डाली, हमने क्या करा इंसिडेंट करवाया, तो जब क्या होता है कि वो लाइट एब्जॉर्ब करेगा तो देयर विल बी द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस विद इन दैट सैंपल, देयर विल बी द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस विद इन दैट सैंपल। दैट इज व्हाई यूवी बेस्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी कैन बी कंसिडर्ड एज एन इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी एज वेल, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी हम किसी सैंपल पे यूवी बेस्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी परफॉर्म कर रहे हैं तो उस सैंपल के अंदर सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं, सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है इसमें कि व्हाट आर द पॉसिबल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस, किसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, किसमें सबसे कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, जो सबसे कम एनर्जी लेगा वो मोस्ट फेवरेबल ट्रांजिशन होगा, ये बात तो समझ में आती है। अब हम वो थोड़ा सा देख लेते हैं कि व्हाट आर द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस पॉसिबल। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एनर्जी लेवल्स जानने पड़ेंगे, बिकॉज क्या होता है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस क्या होती है लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ जाएगी, लोअर एनर्जी शेल से हायर एनर्जी शेल की तरफ जाएगी, लोअर एनर्जी शेल से हायर एनर्जी शेल की तरफ जाएगी। तो अगर हम बात करते हैं कि व्हाट आर द लोअर एनर्जी शेल्स एंड व्हाट आर द हायर एनर्जी शेल्स, उसको हम समझ लेते हैं, और उसको समझने के बाद हम देखेंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस पॉसिबल होती हैं। तो अगर हम यहां पे बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस को जानने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें दो चीजें पता लगानी पड़ती हैं कि हमारे पास लोअर एनर्जी शेल्स कौन से हैं और हायर एनर्जी शेल्स, या सब शेल्स अगर हम बोलें, सब शेल्स कौन से हैं, सब शेल्स कौन से हैं, हायर एनर्जी सब शेल्स कौन से हैं, लोअर एनर्जी सब शेल्स कौन से हैं। तो अगर हम यहां पे बात करते हैं कि लोअर एनर्जी सब शेल्स में, लोअर एनर्जी जो हमारे पास रहती हैं सब शेल्स की, उनमें हमारे पास तीन सब शेल्स आते हैं, तीन सब शेल्स आते हैं। अगर हम बात करें कौन कौन से होते हैं उस तीन सब शेल्स, हमारे पास होता है एक एस सब शेल, एक होता है हमारे पास एस सब शेल, एक होता है हमारे पास पी सब शेल, एक होता है हमारे पास पी सब शेल, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स वी हैव इन द लोअर एनर्जी सब शेल्स। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं लोअर एनर्जी सब शेल्स में हमारे पास तीन चीजें होती हैं, एस सब शेल, पी सब शेल एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम बात करें कि हमें 11th में से भी पता है कि जैसे केमिस्ट्री में हमने पढ़ा है कि जो एस सब शेल होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं सिग्मा सब शेल, देयरफॉर हम बोल सकते हैं क्या है वो सिग्मा सब शेल है, देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं सिग्मा सब शेल है। अगर हम बात करते हैं पी सब शेल की, पी सब शेल की अगर हम बात करते हैं तो पी सब शेल में हम ज्यादातर यही देखते हैं कि पाई बॉन्डिंग हो रही है, बिकॉज एंड टू एंड ओवरलैपिंग एंड साइड टू साइड ओवरलैपिंग का क्राइटेरिया चलता है। एंड टू एंड ओवरलैपिंग हमारे पास होती है सिग्मा में, और साइड टू साइड ओवरलैपिंग होती है हमारे पास किस में, पाई पी में, या हम पाई बॉन्डिंग में भी बोल सकते हैं। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं यार पी सब शेल हो गया तो हमारे पास क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन्स भाई जिनकी बॉन्डिंग ही नहीं हो पाई है ना, लोन पेयर्स भी तो हम पढ़ते हैं ना केमिस्ट्री में कि लोन पेयर्स पड़े हुए हैं, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, दीज आर कंसिडर्ड एज अ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। सो दीज आर द थ्री पॉसिबिलिटीज इन विच लो एनर्जी इज प्रेजेंट, या लो एनर्जी सबशेल्स में हमारे पास ये तीन पॉसिबिलिटी होती है। आई होप सो गाइस, लो एनर्जी सबशेल हमारे पास क्या होगा, लो एनर्जी सबशेल हमारे पास क्या होगा,
बहुत ही बढ़िया तरीके से हमें समझ में आ गया होगा। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं हाई एनर्जी सबशेल्स की, अब हम बात कर लेते हैं हायर एनर्जी सबशेल्स की, अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे सिंपल तरीके से, तो हायर एनर्जी सबशेल्स में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ये चीज़ें हम देख लेते हैं एक बार। तो हायर एनर्जी सबशेल्स की अगर हम बात करें, तो हायर एनर्जी सबशेल्स में हमारे पास सबसे पहले आते हैं, हमारे पास आ जाता है सिग्मा स्टार, एंड देन हमारे पास आ जाता है दैट विल बी हैविंग पाई स्टार एज वेल, देन वी विल बी हैविंग पाई स्टार एज वेल, देन वी विल बी हैविंग पाई स्टार एज वेल, एंड दीज बोथ आर कंसिडर्ड टू बी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आपने कभी भी 11th में अगर ध्यान दिया हो तो हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी थी, एंड वी कैन हैव द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो कि लोअर एनर्जी पे होते हैं, एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो हमारे पास हायर एनर्जी लेवल पे होते हैं, एंड दीज आर पाई स्टार एंड सिग्मा स्टार, दीज आर द पाई स्टार एंड सिग्मा स्टार, पाई स्टार एंड सिग्मा स्टार होते हैं। पाई स्टार एंड सिग्मा स्टार की बात हो गई, अब पाई स्टार और सिग्मा स्टार की अगर हम बात कर लेते हैं, तो ये हमारे पास हायर एनर्जी सबशेल्स पे, हायर एनर्जी सबशेल्स में ये हमारे पास क्लियर हो गया कि भाई लोअर एनर्जी सबशेल्स में कौन से होंगे, हायर एनर्जी सबशेल्स में कौन होंगे, एंड नाउ वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस की मोस्ट फेवर्ड कौन सी होती है, एंड मोस्ट ज्यादा एनर्जी, सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें चाहिए। तो लेट्स डिस्कस। तो एक लाइन मैं यहां पे लिखता हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बनती है यूवी में, कि इन ऑलमोस्ट ऑल कंपाउंड, इन ऑलमोस्ट ऑल कंपाउंड, इन ऑलमोस्ट ऑल कंपाउंड एक्सेप्ट एल्केन्स, एक्सेप्ट एल्केन्स, अब एक्सेप्ट एल्केन्स क्यों वो मैं आगे आपको बताऊंगा, एक्सेप्ट एल्केन्स वी हैव द मोस्ट फेवर्ड, वी हैव द मोस्ट मोस्ट फेवर्ड, वी हैव द मोस्ट फेवर्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस, वी हैव द मोस्ट फेवर्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस फ्रॉम, फ्रॉम अगर हम बात करते हैं, दो एब्रीवेशंस लिख रहा हूं मैं, होमो टू ल्यूमो। अब ये जानना बहुत जरूरी है, दीज टू वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, दीज टू इंपॉर्टेंट, दीज टू एब्रीवेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, कि वॉट इज होमो एंड ल्यूमो। अगर मैं इस होमो को एक्सपेंड करता हूं तो हमारे पास आता है क्या, हायर, हाईएस्ट या हायर ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हायर ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हाईएस्ट भी बोल सकते हैं, हाईएस्ट भी बोल सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड ल्यूमो की अगर मैं बात करता हूं तो लोएस्ट या लोअर अनऑक्यूपाइड, सॉरी अनऑक्यूपाइड, अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ऑर्बिटल, ये दो हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं कि होमो क्या है और ल्यूमो क्या है। होमो अगर हम बात करते हैं दैट इज द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और हायर ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और हम बोल सकते हैं ल्यूमो दैट इज लोएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो दीज आर द टू क्राइटेरियाज कि हमारे पास मोस्ट फेवर्ड ट्रांजिशन फ्रॉम होमो टू ल्यूमो होगी, किसमें, ऑलमोस्ट ऑल कंपाउंड्स में, ये बात हमारे पास क्लियर होती है। आगे हम यहाँ पे देखें कि होमो और ल्यूमो की अगर हम बात करते हैं तो हम इसको कैसे समझेंगे, विद द हेल्प ऑफ जो हमने पहले लोअर एनर्जी डायग्राम, लोअर एनर्जी सबशेल्स पढ़े हैं और हायर एनर्जी सबशेल्स पढ़े हैं, उससे हम कैसे समझेंगे कि होमो और ल्यूमो क्या होते हैं, लेट्स डिस्कस। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि कोई भी अगर हम एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएं, कोई भी अगर हम एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएं फॉर द सिंपलिसिटी, तो देयरफॉर हम बात करते हैं कि यार हम डाउन से अप जा रहे हैं तो क्या हो रही है, एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, एनर्जी क्या हो रही है हमारे पास, इंक्रीज हो रही है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि भाई डाउन से अप जाएंगे तो हायर चल पे जा रहे हैं, तो एनर्जी हमारे पास क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। आगे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि यार लोअर एनर्जी शेल्स में ना, लोअर एनर्जी शेल्स में हमारे पास तीन पॉसिबिलिटी थी, लोअर एनर्जी शेल्स में हमारे पास तीन पॉसिबिलिटी थी, लोअर एनर्जी शेल्स में हमारे पास तीन पॉसिबिलिटी थी, कौन कौन सी, हमारे पास सिग्मा, देन पाई, देन हमारे पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब हमारी ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हम बात करते हैं कि इन द एनर्जी लेवल लोअर में भी, आगे हम यहाँ पे हायर भी बना लेते हैं, पहले हायर भी बना लेते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, पाई स्टार एंड वी है सिग्मा स्टार। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो लोअर एनर्जी शेल्स मैंने आपको पढ़ाए थे
उसमें भी हाईएस्ट एनर्जी किसकी होगी, उसमें भी हाईएस्ट एनर्जी किसकी होगी, हमारे पास देखेंगे अगर हम ऊपर की तरफ जाएं तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी जो होती है हमारे पास वो सबसे ज्यादा होती है, वो सबसे ज्यादा होती है। और ये बात तो हमें क्लियर होनी चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में चले गए हैं उनकी एनर्जी कम हो जाती है, वो स्टेबल हो जाते हैं एज कंपेयर टू जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में नहीं गए हैं। तो देयरफॉर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी होती है एज कंपेयर टू सिग्मा एंड पाई दे हैव द हायर एनर्जी, दे हैव द हायर एनर्जी। ये बात समझ में आती है। आगे हम बात करते हैं तो हमारे पास एक ल्यूमो टर्म था और एक होमो टर्म था। होमो जो होता है दैट इज द होमो की अगर हम बात करते हैं तो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, अभी ट्रांजिशन नहीं हुई है। ध्यान से देखने वाली बात यह है कि अभी ट्रांजिशन नहीं हुई है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं ट्रांजिशन नहीं हुई तो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की भाई लोअर एनर्जी में तो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे ना, वो उनका घर है, तो घर से कौन बाहर जाएगा, पहले वो अपने घर में ही तो रहेंगे, घर के बाद ही तो जंपिंग होगी भाई, पड़ोस के घर में तो साइड में तब जाएगा जब अपने घर में निकलेगा, तो अपने घर में ही रहेंगे पहले। होमो दैट इज द घर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर हम सिंपल सिटी में बात करें तो। अब कह रहा हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड, हाईएस्ट का जो वर्ड है दैट इज रिलेटिंग टू द एनर्जी, दैट इज रिलेटिंग टू एनर्जी, मतलब ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में से हाईएस्ट एनर्जी किसकी है, एनर्जी किसकी सबसे ज्यादा है, नॉन बॉन्डिंग वालों की इलेक्ट्रॉन्स की सबसे ज्यादा एनर्जी है। कि भाई ऑक्यूपाइड तो सारे हैं, सिग्मा भी होगा पाई भी होगा नॉन बॉन्डिंग भी होंगे, पर उसमें से भी हाईएस्ट कौन सा वाला है, हाईएस्ट इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, हाईएस्ट इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, भाई एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी है, एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी है, ये बात समझ में आती। अब अगर एनर्जी सबसे ज्यादा भाई अगर हम मानते हैं इसकी है, और अगर हम बात करते हैं, मैंने एक लिखा भाई ल्यूमो दैट इज द लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जितने भी हमारे पास हायर एनर्जी वाले सबशेल्स होते हैं वो अभी अनऑक्यूपाइड है, वो हमारे पास क्या है, अनऑक्यूपाइड है, उसमें से भी लोएस्ट एनर्जी किसकी है या लोअर एनर्जी किसकी है, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड है ना, दोनों ही अनऑक्यूपाइड है, पर उनमें से भी लोएस्ट किसकी है, हम बात करेंगे यार पाई स्टार हमारे पास क्या है, लोएस्ट है। तो मैं कह रहा हूं होमो टू ल्यूमो इज द मोस्ट फेवर्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, दैट इज फ्रॉम नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार, नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगी, नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगी दैट विल बी द मोस्ट फेवर्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, ठीक है जी, दैट विल बी द मोस्ट फेवर्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। देन अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार चला गया, नेक्स्ट ट्रांजिशन अगर हम देखें तो नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार विल बी द फेवर्ड वन नेक्स्ट, इसके बाद नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार के बाद अगर हम देखें तो उसमें एनर्जी किसमें एनर्जी और ज्यादा चाहिए होगी, नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार में, देन उसके बाद पाई से पाई स्टार में, देन उसके बाद हमारे पास आ जाएगा पाई से पाई स्टार में, देन अगर उसके आगे बात करते हैं तो सिग्मा से पाई स्टार एंड देन सिग्मा टू सिग्मा स्टार। तो इफ वी अरेंज द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी वी कैन से कि हमारे पास नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार सबसे कम चाहिए होगी, देन हमारे पास नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार सबसे कम उससे ज्यादा, देन हमारे पास पाई से पाई स्टार दैट विल बी द ट्रांजिशंस, एंड देन हमारे पास सिग्मा टू पाई स्टार, सिग्मा टू पाई स्टार एंड देन हमारे पास सिग्मा स्टार, सिग्मा टू सिग्मा स्टार में हमें सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए। देयरफॉर हमें वेवलेंथ कैसी होनी चाहिए, हमारे पास सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होनी चाहिए, बिकॉज हमें पता है E इज इक्वल्स टू एच सी बाय लेमडा होता है, अगर एनर्जी ज्यादा हो गई तो हमारे पास लेमडा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, दैट विल बी द क्राइटेरिया। तो ये हमारे पास मोटा मोटा इंट्रोडक्शन होता है कि यार हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस क्या होती हैं, हमारे पास होमो और ल्यूमो क्या होता है। होमो और ल्यूमो की अगर हम बात कर लें तो ये जानना बहुत जरूरी है, व्हाट इज होमो, हाईएस्ट से कंफ्यूज नहीं होना, हाईएस्ट रेफरिंग टू द एनर्जी लेवल ऑफ द लोअर एनर्जी सबसेल, भाई लोअर तो है, मान लेते हैं एक क्लास में बच्चे बस 33% से पास हो रहे हैं, एक के 35 आ गए, एक के भाई 34 आ गए, एक के 34.5 आ गए, अब सब पॉइंट पे ही पास हुए मान लेते हैं, बट हाईएस्ट किसके हैं भाई, 35 वाले के हैं, तो वही है ये सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, पॉइंट पे पास होने वाले हैं, पर इसमें से भी हाईएस्ट किसके हैं, नॉन बॉन्डिंग के। तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं लोअर में भी हाईएस्ट एनर्जी किसकी हो जाएगी, नॉन बॉन्डिंग की। अब मानते हैं भाई ये हमारे क्लास में टॉपर बच्चे आ गए, ये टॉपर बच्चे आ गए, किसी के 97 आ रहे हैं, किसी के 98 आ रहे हैं, किसी के 99 आ रहे हैं, तो हैं तो सारे ही टॉपर, पर उसमें से भी लोएस्ट नंबर किसका है, लोएस्ट एनर्जी किसकी है भाई, 95 वाले की है या 96 वाले की, 99 वाला तो है ही हाईएस्ट, तो हाईएस्ट में से भी हायर
जो टॉपर्स हैं उनमें से भी सबसे बेकार कौन सा है वो हमें पता लगाना है, किसमें, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। ये बात समझ में आती, ये तो हमने मोटा मोटा बात कर ली। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, हमने इंट्रो पढ़ लिया कि भाई क्या होता है होमो ल्यूमो क्या होता है, नाउ वी कैन टॉक अबाउट द प्रिंसिपल बिहाइंड द यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो प्रिंसिपल बिहाइंड द यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की अगर हम बात करते हैं, तो प्रिंसिपल बिहाइंड द यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम सिंपल तरीके से बात करें, तो प्रिंसिपल बिहाइंड द यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमारे पास आता है कि एक आता है बियर्ट लैम्बर्ट्स लॉ। प्रिंसिपल बिहाइंड द यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी इज बियर्ट लैम्बर्ट लॉ। बियर्ट लैम्बर्ट लॉ आ गया। व्हाट डज द बियर्ट लैम्बर्ट लॉ सेज, व्हाट डज द बियर्ट लैम्बर्ट लॉ सेज, व्हाट डज द बियर्ट लैम्बर्ट लॉ सेज की अगर हम बात करते हैं सिंपल तरीके से, लिख लेते हैं कि व्हाट आर द प्रिंसिपल्स, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स अगर हम बात करें कि किस प्रिंसिपल पे डिफाइन है यूवी विज स्पेक्ट्रोस्कोपी, किस प्रिंसिपल पे डिफाइन है यूवी विज स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो अगर हम बात करते हैं, यहां पे लिखते हैं, अगर हम प्रिंसिपल ऑफ यूवी विज स्पेक्ट्रोस्कोपी, अगर हम बात करते हैं कि जो प्रिंसिपल है दैट इज गिवन बाय बियर लैम्बर्ट लॉ। अब बियर्ट लैम्बर्ट लॉ क्या होता है, बियर्ट लैम्बर्ट लॉ क्या डिफाइन करता है, बियर्ट लैम्बर्ट लॉ ये डिफाइन करता है कि किसी भी अगर एक सैंपल में या किसी भी एक चीज में अगर हम कोई लाइट पास करवाते हैं, किसी भी एक चीज में अगर हम लाइट पास करवाते हैं तो वो कुछ ना कुछ लाइट को एब्जॉर्ब करेगी, कुछ ना कुछ लाइट को एब्जॉर्ब करेगी। तो वो बताता है कि किस क्राइटेरिया पे वो डिपेंड करता है भाई कितनी लाइट एब्जॉर्ब होगी। सबसे पहले अगर कोई चीज हम ले रहे हैं और उसमें से हम लाइट पास करवा रहे हैं तो हम बात करते हैं उसकी लेंथ की, कि भाई कितनी देर उस वो लाइट उस सैंपल के अंदर रन करी है, उस सैंपल के अंदर रही है, जितनी देर वो लाइट रहेगी लेंथ वाइज अगर मैं बात करता हूँ, लेंथ वाइज अगर मैं बात करता हूँ, दो सैंपल मैंने ये ले लिए, एक सैंपल ये है और एक सैंपल हमारे पास ये है। तो अगर इसकी हमारे पास बात करते हैं एल लेंथ है और ये हमारे पास 2L लेंथ है जो कि लग नहीं रही है, जो कि हम बात करते हैं 2L लेंथ है लेट सपोज। तो अगर मैं यहां पे बात करता हूं कि जो लाइट हमारे पास आई, जो हमारे पास लाइट आई वो हमारे पास क्या हो रहा है कि एल लेंथ के लिए थोड़ी देर अंदर रहती है, एल डिस्टेंस कवर करती है और यहां पे 2L डिस्टेंस कवर करती है, तो देयर फॉर इसका एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा बिकॉज ये ज्यादा देर तक सैंपल के अंदर है। और कोई लाइट अगर जितनी देर तक सैंपल के अंदर रहेगी उतनी ज्यादा क्या होगी भाई, एब्जॉर्ब होगी। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं पहले इसकी इंटेंसिटी, पहले इसकी इंटेंसिटी अगर आई नॉट थी, पहले इसकी इंटेंसिटी आई नॉट थी और सैंपल के निकलने के बाद, सैंपल से निकलने के बाद आई हो गई, तो क्या ये एब्जॉर्ब होने के बाद जो आई निकली है हमारे पास वो इंटेंसिटी कम नहीं हो जाएगी क्या, बिकॉज इंटेंसिटी इज रेफरिंग टू भाई फोटोन्स पर। अब फोटोन्स तो एब्जॉर्ब हो गए ना, फोटोन्स क्या हुए भाई, फोटोन्स की एनर्जी तो एब्जॉर्ब हो गई, फोटोन्स की एनर्जी एब्जॉर्ब क्यों हो गई, बिकॉज भाई सैंपल के अंदर वो लाइट क्या हो रही थी, रन कर रही थी, सैंपल के अंदर क्या कर रही थी भाई, वो लाइट रन कर रही थी। आगे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि व्हाट इज द क्राइटेरिया भाई लेंथ से अगर हम बात करें, तो लेंथ अगर हम इंक्रीज कर देते हैं सैंपल की, लेंथ अगर हम इंक्रीज कर देते हैं सैंपल की तो उसकी एब्जॉर्बेंस, इसकी एब्जॉर्बेंस लाइट की एब्जॉर्बेंस जो होगी क्या हो जाएगी, वो भी बढ़ जाएगी, लाइट की एब्जॉर्बेंस जो होगी वो भी बढ़ जाएगी। देयरफॉर उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, इंटेंसिटी क्या हो जाएगी भाई लाइट की, जो फाइनल इंटेंसिटी होगी बाहर निकलने वाली वो डिक्रीज कर जाएगी, वो क्या हो जाएगी भाई, डिक्रीज कर जाएगी, वो क्या हो जाएगी भाई, डिक्रीज कर जाएगी। वो लेंथ अगर हम बढ़ा देते हैं तो लाइट की एब्जॉर्बेंस बढ़ जाएगी, इंटेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी। ये हमारे पास फर्स्ट क्राइटेरिया आता है ऑफ बियर्ट लैम्बर्ट लॉ। बियर्ट लैम्बर्ट लॉ का हमारे पास क्या आता है, फर्स्ट क्राइटेरिया आता है, फर्स्ट क्राइटेरिया आता है। अब अगर हम यहाँ पे मानते हैं द सेकंड क्राइटेरिया इज रेफरिंग टू द कंसंट्रेशन, सेकंड क्राइटेरिया इज रेफरिंग टू द कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का रेफरेंस देता है भाई, सेकंड क्राइटेरिया क्या करता है, कंसंट्रेशन का रेफरेंस देता है। और कंसंट्रेशन का अगर रेफरेंस देता है तो अगर मैं मानता हूँ व्हाट आर द व्हाट इज कंसंट्रेशन, मतलब कि भाई उसका अमाउंट क्या है उन पार्टिकल्स का जो लाइट वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, जो पार्टिकल्स लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं उनका अमाउंट क्या है, उनका अमाउंट क्या है सैंपल के अंदर। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ अगर वो लाइट को एब्जॉर्ब करने वाले पार्टिकल्स यहाँ पे एल लेंथ में अगर 6 हैं, अगर मान लेते हैं 6 हैं, तो क्या पता कि यहाँ पे भाई 2L में 12 हो जाए, 12 हो जाए है ना। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे बात करते हैं 12 हो जाए, ये इन 12 मुझे लग नहीं रहे, पर आप समझ सकते हैं कि अगर हम बात करते हैं कि कंसंट्रेशन हम बढ़ा देते हैं तो हमारे पास अगर हम बात करें
तो कंसंट्रेशन ऑफ एब्जॉर्बिंग पार्टिकल्स, जो लाइट को एब्जॉर्ब करने वाले पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, वो ज्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। तो देयर फॉर अगर हम यहां पे सिंपल सी बात करते हैं, कंसंट्रेशन को अगर मैं बढ़ाता हूं, कंसंट्रेशन को अगर मैं बढ़ा देता हूं तो एब्जॉर्बेंस क्या होगी, एब्जॉर्बेंस क्या होगी, बढ़ जाएगी। और देयर फॉर इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, और कम हो जाएगी। इंटेंसिटी क्या हो जाएगी भाई, कम हो जाएगी। इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो देयर फॉर बियर्ड लैम्बर्ट लॉज गिव्स द डेविएशन ऑफ इंटेंसिटी। भाई इंटेंसिटी में क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं किसी एक सैंपल में से अगर हम लाइट को पास कर रहे हैं, तो इट विल डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ द सैंपल की, भाई कितनी देर तक वो लाइट सैंपल के अंदर रन कर रही है। एंड सेकंड इज दैट कि हम बोल सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ एब्जॉर्बिंग पार्टिकल्स कितनी है, कंसंट्रेशन ऑफ एब्जॉर्बिंग पार्टिकल्स हमारे पास कितनी है, ये बात समझ में आती है हमारे पास। तो सिंपल तरीका यही है कि दिस डिफाइंस द प्रिंसिपल ऑफ यूवी विज स्पेक्ट्रोस्कोपी। इससे हम क्या पता कर सकते हैं, इससे हम ये पता कर सकते हैं कि भाई किसी सैंपल में अगर हम यूवी विज स्पेक्ट्रोस्कोपी को परफॉर्म करते हैं तो हमारे पास पहले तो हमें क्या पता लगेगा, भाई इंटेंसिटी में डिफरेंस पता लगेगा। तो उससे हमें क्या पता चल जाएगा, उसकी कंसंट्रेशन पता चल जाएगी। भाई कंसंट्रेशन पता चल जाएगी कि ज्यादा अगर इंटेंसिटी कम हो रही है तो देयर फॉर द एब्जॉर्बिंग सैंपल इज मोर, एब्जॉर्बिंग सैंपल इज मोर। और उसकी अगर हम क्वालिटेटिव एनालिसिस भी करें, बिकॉज क्वालिटेटिव एनालिसिस भी वी कैन डू विद द यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी विज स्पेक्ट्रोस्कोपी, बिकॉज सर्टेन ग्रुप्स जो होते हैं, सर्टेन ग्रुप्स जो होते हैं वो सर्टेन पीक्स देते हैं एट सर्टेन वेवलेंथ।